आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मैं हूं स्वागत आपके साथ वर्षा शर्मा। हर घर तिरंगा मुहिम में पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग गया है और इसी के साथ अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए असम में डिब्रूगढ़ पुलिस विभाग द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें डिब्रूगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक श्वेतांग मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बितुल चेतिया, डिब्रूगढ़ सदर थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी राजू छेत्री शामिल हुए। शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा को देख लोग देशभक्ति में डूबे नजर आए। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर हर वर्ग में उत्साह देखने को मिल रहा है और हर कोई इस अभियान से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल की तस्वीर पर तिरंगा लगा दिया है, जिसके बाद अब हर कोई इस अभियान से जुड़ गया है। डिब्रूगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा डिब्रूगढ़ सदर थाना से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें कि आप साफ देख रहे हैं कि कैसे हर सैनिक ने, हर पुलिसकर्मी ने अपने हाथ में शान से तिरंगा पकड़ा है और वो कैसे किस प्रकार तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस मौके पर हम जानेंगे पुलिस अधीक्षक श्वेतांग मिश्रा का क्या कुछ कहना है। एक फ्लैग कोड में अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट करके हम लोग को बेसिकली प्रत्येक जो जनता है, जनता को इस समय इस बात की आज़ादी दी गई है कि वो लोग अपने घर में तिरंगा जो है तिरंगा प्रदर्शन कर सकते हैं, साथ ही रात में भी लगा सकते हैं। पहले जो था, जब भी हम लोग ध्वजारोहण करते थे तो रात में वो हम लोग रिट्रीट कर लेते थे, फ्लैग को उतार लेते थे। अभी किंतु ये सभी लोगों को परमिशन दे दिया गया है कि आप लोग तिरंगा जो है वो रात में भी डिस्प्ले कर सकते हैं और हर घर में, प्रत्येक घर में अपना खुद से फ्लैग खरीद के लगा सकते हैं। तो यही मैसेज देने के लिए हम लोग आज ये रैली करने जा रहे हैं, फुट मार्च करेंगे, पूरा बाजार एरिया में करेंगे, ताकि जो यहाँ के लोग हैं, हम लोग का जो यहाँ की श्रद्धेय जनता है, वो जनता को भी पता चले कि ये प्रोग्राम ऐसे हो रहा है और वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट। तिरंगे के साथ लंबी कतार को देखते हुए लोगों के चलते कदम रुक गए और वो तिरंगे को सम्मान से देखते रह गए। निकाली गई तिरंगा रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करके घर घर तिरंगा अभियान का संदेश दे रही थी। अगली खबर असम के जोरहाट शहर से। जोरहाट शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही कुछ हाल बीते कुछ दिनों से जोरहाट शहर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जोरहाट की आम जनता चोरों से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन शातिर चोरों को पकड़ने में बेनकाब नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन शातिर चोरों से परेशान होकर अंत में अपना रुद्र रूप दिखाते हुए चोरों के खिलाफ नकेल कसने में आज कामयाब हो गई है। जानकारी के अनुसार बीते तीन दिन पहले शातिर चोरों ने जोरहाट शहर के मालोवाली और बरबेटा में स्थित मिशन हॉस्पिटल के पास शातिर चोरों के एक दल ने घरों में सोने और चांदी के आभूषण को चुराकर जेवी रोड स्थित अमोल गोल्ड और सिल्वर रिफाइनरी नामक प्रतिष्ठान में चोरी का माल बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी सालों से चलता आ रहा था, पर शातिर चोरों के साथ साथ उस व्यापारी की आज कमर टूट गई, जब जोरहाट सदर थाना के सब इंस्पेक्टर दीप ज्योति सोनवाल ने एक अभियान चलाकर शिवसागर पुलिस की मदद से अंकुर दास को उसके घर से दबोच कर जोरहाट सदर थाना लेकर आ गई। काफी पूछताछ के बाद शातिर चोर अंकुर दास ने अपने दल के नाम उगलने शुरू किए। सबूत इकट्ठा करने के बाद दीप ज्योति सोनवाल की टीम नागालैंड के चांगकी के लिए रवाना हो गई। नागालैंड पुलिस की सहयोगिता से असम पुलिस को अमोल गोल्ड और रिफाइनरी के मिल्क मलिक को चांगकी में दबोच कर बड़ी सफलता हासिल की। जोरहाट पुलिस ने अभियान चलाते हुए 35 ग्राम सोने के साथ 75,000 नकदी बरामद की। इस दल के और एक साथी को जोरहाट में स्थित राजा मैदान न्यू कॉलोनी से धर दबोचा गया। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।